हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद निशा चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कटलेट, जो बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने इसके लिए पोटैटो और ग्रीन पीस मैंने बॉईल करके रख लिया है। अब हम इसके पेल्स उतार लेंगे और बाद में सारे मसाले करेंगे। ये मैंने दोनों को बॉईल कर लिया है। अब हम इसके पील्स निकालेंगे। बर्तन जितना बड़ा होगा हमें मसाला करने में उतना ही मज़ा आएगा। तो बड़े बर्तन में ये प्रोसेस कीजिए। अब हमें इसे ऐसे क्रश कर लेना है। हो गया। अब हम इसमें डालेंगे मटर के दाने और अब करेंगे इसमें मसाले। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम ब्रेड क्रम्स भी डालने वाले हैं तो उसका नमक भी जाएगा। लाल मिर्च, बिल्कुल ही थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, चूर पाउडर, चीनी और लेमन जूस। जब भी आप कटलेट बनाएं तो ये ध्यान में रखिएगा कि इसे बनाकर हमें 15-20 मिनट तक, आधे घंटे के लिए उसे सेट होने के लिए रख देना है। तो बनाकर तुरंत ही हम फ्राई नहीं करेंगे। तो आपको 9 बजे खाना खाना है तो आप 7 बजे से ये बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इसे सेट होने के लिए टाइम लगेगा। लेमन जूस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली आप इसमें जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं, कसूरी मेथी, गरम मसाला, अगर आप चाहे तो वेजिटेबल्स, कैबेज, कैरेट, ऑनियन, उसे सोते करके इसमें डाल सकते हैं। मैंने अभी बहुत ही सिंपल कटलेट बना रही हूँ मैं अभी, तो मैंने सब्जी नहीं डाली है, पर यहाँ गरम मसाला हम डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट, ये जो टी टोस्ट है वो मैंने ले लिए है। इसको मैं बारीक क्रश कर लूँगी और फिर इसमें हम डाल देंगे। मिक्सर को ग्राइंड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, टेस्ट भी इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे क्रश कर सकते हैं। अब हम ये इसमें डाल देंगे। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। अगर आपको लगे कि ये बाइंड अच्छे से नहीं हो रहा है तो थोड़े ज़्यादा ब्रेड क्रम्स आप इसमें डाल दीजिए, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये बाइंड हो रहा है, इसे सेट होने लगे तो फिर ब्रेड क्रम्स और नहीं डालेंगे। अब हम इसको शेप दे देंगे। अब हम इसे हार्ट शेप दे देंगे, इसे बड़ा वाला गोला बना लीजिए। फिर ये जो शेप है, शेप में कर इसे ऐसे हम इसमें डाल देंगे और एक्स्ट्रा जो है वो उसे निकाल देंगे। ये देखिए ये
हार्ट शेप हमारा रेडी है। इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे और सेट होने के लिए रख देंगे। इसे आप अलग अलग शेप दे सकते हैं। ये हार्ट शेप है, ये थोड़ा अलग है, ये शेप मैंने अलग दिया है, तो आप राउंड शेप दे सकते हैं, जैसा भी आप शेप देना चाहे। इसे हम दो तरह से फ्राई करेंगे। एक तो मैंने ये जो सेट करने के लिए रख दिया था, इसे ऐसे ही ब्रेड क्रम्स में ऐसे इस पे लगा देंगे ब्रेड क्रम्स, और हम इसे ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। और दूसरा तरीका है, ये मैंने ले लिया है, मैंने लिया था 2 चम्मच मैदा, उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा पानी और इसका घोल बना लिया है। अगर आप चाहे तो इसमें कटलेट को डुबो के फिर ब्रेड क्रम में डुबो के फिर फ्राई करेंगे। मैं दोनों तरह से फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। तेल गर्म हो गया है, अब मैं ये ऐसे ही मैंने जो ब्रेड क्रम्स में ये डाला था ये फ्राई करेंगे हम। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। ये देखिए ये रेडी है, एक कटलेट को हम इस घोल में डुबो देंगे अच्छे से और ब्रेड क्रम में घोल देंगे और इसे हम फ्राई कर देंगे। दोनों में टेस्ट अच्छा ही आता है, आपको जो कन्वीनियंट हो वैसे आप कर सकते हैं। इसे हम फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया वाला कटलेट हमारा रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं और सिर्फ ब्रेड क्रम्स में भी बना सकते हैं, दोनों खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो ऐसे ही हमें सब फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए ये मैदे के घोल में बनाई हुई है और ये मैंने ऐसे ही ब्रेड क्रम्स में बनाई है। क्रिस्पीनेस इसमें ज़्यादा है, ये भी क्रिस्पी है पर इसके मुकाबले ये ज़्यादा क्रिस्पी है। तो आपको जो भी पसंद है जैसे भी आप वैसा बनाइए, खाइए और खो जाइए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया वाली कटलेट रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।